आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लवकुश गार्डन में की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। करना चाहता हूं, हमारी सरकार कभी भी जनता के आगे कभी भी जनता के साथ नहीं गई। और लॉ एंड ऑर्डर मैं याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट पास किया था, वो बेहद सख्त थे। और अखिलेश जी और मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य भी जो दल है हमारे गठबंधन में शामिल होकर हम सरकार बनाएंगे तो काम का राज होगा जो सबके लिए समान है। ये मेरी मुख्य बात थी, मेरा आपने ये वादा था और मैं सबको धन्यवाद करते हुए अखिलेश जी को नमन करता हूं। 2003 में ये कुछ जवाब सरकार में यहाँ पर पास हुआ, मोराना विधानसभा से आपके प्रत्याशी बैठे अनंत चौधरी जी, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, सात गांवों की जमीन एक्वायर में 15 किलोमीटर एरिया वो मुद्दा आज भी अटका हुआ है और किसानों को ना तो जमीन दी गई और ना मैं जानता हूँ मुद्दा क्या है। सरकार, किसान और जिसको जमीन दी गई थी, तीन के बीच का मामला है। सुलझाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और आज भी किसान विकास के लिए जमीन नहीं रोकता। जब आप उसको मुआवजा नहीं ठीक देते मार्केट वैल्यू का, तब वो नाराज होता है। जिस समय देश में लैंड एक्विजिशन का एक्ट बन रहा था, उस समय समाजवादी सरकार में 323 किलोमीटर में जमीन ली थी और एक भी आंदोलन नहीं हुआ, पता कर लीजिए। और जब आंदोलन करने वाले किसान आंदोलन करते थे, उन्हें भी मुकदमे वापस किए, जेल से बाहर किया और एक भी आंदोलन नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी किसानों से किसी विकास कार्य के लिए जमीन लेगी तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा उनको कीमत दी जाएगी। सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना वो दे दिया जाएगा, लेकिन सर्किल रेट इतना बढ़ा करके देंगे जिससे हमारा किसान संतुष्ट।